स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 31 अक्टूबर, बी 30 अक्टूबर, सी 29 अक्टूबर, डी 28 अक्टूबर। आंसर सी 29 अक्टूबर। एक्सप्लेनेशन, देश भर में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। पीएम मोदी ने 29 अक्टूबर को लगभग 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए 2016 में आयुर्वेद दिवस की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न, वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? ए दीप्ति शर्मा, बी स्मृति मंधाना, सी हरमनप्रीत कौर, डी राधा यादव। आंसर बी स्मृति मंधाना। एक्सप्लेनेशन, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने वनडे में अपना 8वां शतक जड़ा, इसके साथ ही वह भारत की ओर से सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। उन्होंने मिताली राज के साथ वनडे शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। अगला प्रश्न, किस महिला फुटबॉलर ने 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीता? ए अलेक्सिया पुटेलिस, बी एडा हेगेरबर्ग, सी लूसी ब्रॉन्स, डी आइटाना बोनमाटी। आंसर डी आइटाना बोनमाटी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में बैलन डी ओर अवार्ड 2024 की घोषणा की गई है, जहां मैनचेस्टर सिटी के मिडफील्डर रोड्री ने पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब अपने नाम किया। वहीं महिला वर्ग में आइटाना बोनमाटी ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब जीता। अगला प्रश्न, आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार कितना है? ए 324.01 मीट्रिक टन, बी 510.46 मीट्रिक टन, सी 854.73 मीट्रिक टन, डी 1000 मीट्रिक टन। आंसर सी 854.73 मीट्रिक टन। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास भारत का कुल स्वर्ण भंडार 854.73 मीट्रिक टन है। इन भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 510.46 मीट्रिक टन भारत के भीतर घरेलू स्तर पर संग्रहित है। शेष सोने का भंडार विदेश में रखा गया है, जिसमें से 324.01 मीट्रिक टन को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS में सुरक्षित रखा गया है। अगला प्रश्न, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ए नई दिल्ली, बी काठमांडू, सी बैंकॉक, डी टोक्यो। आंसर ए नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, एशियाई एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 5-6 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। 2015 से 2023 तक भारत ने टीबी की घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की? ए 20%, बी 17.7%, सी 10%, डी 8.3%। आंसर बी 17.7%। एक्सप्लेनेशन, तपेदिक टीबी को कम करने में भारत की प्रगति ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। 2015 से 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की कमी आई है। भारत ने 2030 सतत विकास लक्ष्य SDG की समय सीमा से 5 वर्ष पहले 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के टीबी उन्मूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। अगला प्रश्न, किस देश ने अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। आंसर ए थाईलैंड। एक्सप्लेनेशन, थाईलैंड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनिश्चितकाल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बढ़ा दी है, जिसे नवंबर 2023 में पेश किया गया था। इस वीजा मुक्त कार्यक्रम के तहत भारतीय नागरिक पहले से वीजा प्राप्त किए बिना 30 दिनों तक रहने के लिए थाईलैंड में परेशानी मुक्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। अगला प्रश्न, US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने जीत दर्ज की है? ए मिशेल ओबामा, बी जो बाइडेन, सी कमला हैरिस, डी डोनाल्ड ट्रंप। आंसर डी डोनाल्ड ट्रंप। एक्सप्लेनेशन, डोनाल्ड ट्रंप ने US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। 279 इलेक्टोरल वोट हासिल करते हुए आवश्यक 270 वोटों की सीमा को पार कर लिया। उन्होंने कमला हैरिस को मात दिया।
अमेरिकी संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जिससे ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा। अगला प्रश्न, हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए थाईलैंड, बी भूटान, सी भारत, डी नेपाल। आंसर सी भारत। एक्सप्लेनेशन, भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख आउटरीच पहल को जारी रखते हुए महासागर शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में 10 देशों के प्रतिनिधियों ने सहयोगात्मक प्रयासों पर चर्चा की। महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2003 में हुई थी और ये द्विवार्षिक आयोजन है, जिसका उद्देश्य भारतीय महासागर क्षेत्र IOR में समुद्री सुरक्षा के प्रमुखों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। ये सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया और इसका विषय था IOR में साझा समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को कम करने के लिए प्रशिक्षण सहयोग। अगला प्रश्न, कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया? ए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी, बी सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म, डी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म। आंसर सी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म। एक्सप्लेनेशन, चिदानंद एस नाइक द्वारा निर्देशित कन्नड़ लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर में अपना स्थान पक्का किया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII द्वारा निर्मित ये फिल्म इस साल की शुरुआत में कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेट सेलेक्शन में पहला पुरस्कार जीत चुकी है। NTPC की किस सुविधा में दुनिया का पहला CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र स्थित है? ए विंध्याचल, बी रिहन, सी सिंगरौली, डी दादरी। आंसर ए विंध्याचल। एक्सप्लेनेशन, 8 नवंबर 2024 को भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने अपनी विंध्याचल सुविधा में दुनिया के पहले CO2 से मेथनॉल रूपांतरण संयंत्र का उद्घाटन करके अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई। अगला प्रश्न, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य गोपीनाथ धाम रखा जाएगा। ये रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर बी बिहार। एक्सप्लेनेशन, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर राज्य गोपीनाथ धाम रखा जाएगा। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। राज्य गोपीनाथ धाम एक पूजनीय हिंदू तीर्थ स्थल है। ये निर्णय क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नगर परिषद ने नाम में इस परिवर्तन के लिए पहले ही प्रस्ताव पारित कर दिया है। अगला प्रश्न, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का कौन सा संस्करण 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुरू किया गया है? ए 1.0, बी 2.0, सी 3.0, डी 4.0। आंसर सी 3.0। एक्सप्लेनेशन, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 की शुरुआत 6 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। यह अभियान 1 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। यह अभियान पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 800 शहरों और जिलों में देश भर में चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न, APS 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना, बी APS को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ मिलाना, सी सेवानिवृत्ति की आयु कम करना, डी पेंशन राशि बढ़ाना। आंसर ए देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। एक्सप्लेनेशन, 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना APS 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS के सफल पायलट की घोषणा की। अगला प्रश्न, भारत की GDP में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? ए हरियाणा, बी गुजरात, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आंसर डी महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशन, भारत की GDP में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। PM की आर्थिक सलाहकार परिषद ESBEPM के वर्किंग पेपर के अनुसार महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 2010-11 में 15.2% से घटकर 2020-21 में सिर्फ 13% और 2023-24 में 13.3% हो गई है। पिछले 2 दशकों में भारत की GDP में गुजरात की हिस्सेदारी 2010-11 में 7.5% से बढ़कर 2022-23 में 8.1% हो गई है।
राष्ट्रीय औसत की तुलना में गुजरात की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से अधिक है।